ये एनिवर्सरी मेरे पति की आखिरी। मालिक ऐसा कुछ भी नहीं है, मेम साहब झूठ बोल रही है, वो आपसे कोई प्यार नहीं करती, ये आपकी दौलत से प्यार करती है, इसीलिए आपको जान से मारना चाहती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप मेम साहब को बोले कि इस केक का छोटा सा टुकड़ा खा के दिखाए, नहीं तो जो आप मुझे सलाह दोगे वो मुझे मंजूर है। यार मैं ये केक कैसे खा सकती हूँ, और आपको तो पता है कि आज मंडे है और मेरा फास्ट है। अभी पता चल गया है क्या सब क्या है, तू केक का छोटा सा टुकड़ा खा कर दिखा दे, फिर मैं हिमांशु को बताता हूँ। हाँ केक खा के दिखाओ, अभी इनका सच सामने आ जाएगा। अरे लेकिन, अरे ये केक खाओ और इनको छोटा सा, यार मैंने बोला ना मेरे पास में फास्ट फूड देने दूंगी। अरे खाओ थोड़ा सा केक खाओ, जब मैं बोल रहा हूँ। अरे खाओ। अरे यार तुम्हारा नहीं खा सकती, इसमें जहर है। देखा साहब, मैं सच कह रहा था ना, मेम साहब ने केक में जहर मिलाया। तुमने जहर क्यों मिलाया बताओ मुझे, आखिर तुमने जहर क्यों मिलाया? बस अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो आप सुनो अच्छे से, सुनो पूरे दिन भाई 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 करते रहते हो, कभी सोचा है तुम्हारी वाइफ को क्या चाहिए, वो क्या चाहती है? पूरा दिन भाई 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 करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मैं तो इसके पास नौकरानी हूँ, पूरा दिन तुम्हारे दोनों भाई की सेवा करने के लिए निकल जाता है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे वो मेरा भाई है, अरे तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे लिए अपने भाई को छोड़ दूंगा? मैंने शादी से पहले एक शर्त रखी थी कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा, और मैंने तुझे कहा था कि वो झूठा है, उसे तू हमेशा खुश रखना, पर मेरी गलती है ना, मैंने तुझ पे यकीन किया, मेरी गलती ना, मैंने तुझ पे भरोसा किया, मैंने सोचा था तू इस घर को और मेरे भाई को संभाल लेगी, पर जो अपने पति को जहर दे सकती है उसको तुम क्या विश्वास करेगी? तू क्या सोचती है, मेरा भाई कहाँ चला जाएगा, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा? जाओगी तुम जैसी लड़की के साथ मुझे नहीं रहना, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। जा रही हूँ, तुम लो अपने इस भाई के साथ। भैया आपने सही किया, आगे आपके लायक भी नहीं थी।